गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज कैसे हो आप सभी लोग? आई होप गाइज आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज हम ऊपर से अच्छा दिखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, हमें अच्छा मेकअप चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें अच्छे जूते चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। बट क्या आप जानते हो कि अंदर से हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो गाइज हमें जरूरत होती है प्रोटीन की। हमारे मसल्स में प्रोटीन होता है, हमारे हड्डियों में प्रोटीन होता है, हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट है जिसमें हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जितना आपका वेट है गाइज उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। उस प्रोटीन की कमी को हम लोग दालें खा के पूरा कर सकते हैं। हम लोग पनीर, दूध, दही, मीट होता है, अंडे होते हैं, चिकन होता है, इसमें भर भर के प्रोटीन होता है। ये खा के हम लोग प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज वगैरह खा के अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो दालें वगैरह खा के अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। बट इतना ज्यादा प्रोटीन इंटेक हम हमारे खाने से नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, और वो सप्लीमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज वो है ये सप्लीमेंट, ये आपके बजट में भी आ जाएगा, जेनिथ न्यूट्रिशन का ये प्रोटीन। एक्चुअली ये जो प्रोटीन है गाइज मतलब वेजिटेरियन बहुत इजीली ले सकते हैं, क्योंकि ये वेज प्रोटीन है, बिल्कुल वीगन है ये प्रोटीन। अगर आप स्पोर्ट करते हो, अगर आप जिम करते हो बहुत ज्यादा और आपका बजट इतना नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये प्रोटीन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है और बहुत महंगे महंगे आते हैं। बट ये प्रोटीन आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, और सस्ता है इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोटीन अच्छा नहीं है। अगर आपको नॉनवेज खाना अच्छा नहीं लगता है, आप वेजिटेरियन हो, तो आप इसे सब्जी में डाल के खा सकते हो, आप इसे उपमा, नूडल्स, ओट्स, इन सारी चीजों में डाल के खा सकते हो, आप इसे अपनी रोटी के आटे में गूंथ के इसकी रोटियां बना सकते हो, उसमें भी आपका बहुत सारा प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये जो प्रोटीन है वो आपके बजट में है। ये प्रोटीन 2.2 LBS का है, मतलब 1000 ग्राम का। और गाइज 1000 ग्राम के लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 1499 रुपीज। बट ये ऑनलाइन अगर आप परचेस करते हो तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके एक स्कूप में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और इसमें आपको 4.5 ग्राम BCAA भी मिलता है, जो आपको इतने कम बजट में कोई भी प्रोटीन नहीं देता है। और BCAA से आपकी फास्ट मसल रिकवरी होती है, और उसके बाद आपको 11.7 ग्राम EAA भी मिलता है इसमें, और उसके साथ साथ एंजाइम ब्लेंड भी है। बट आप सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग इसे पानी के साथ ले सकते हैं? तो गाइज आप डेफिनेटली इसे पानी के साथ ले सकते हो, बट इसका जो टेस्ट है आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये टेस्टलेस है, अनफ्लेवर्ड है। अनफ्लेवर्ड मतलब प्योर है ये, कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड नहीं है, ना तो इसमें शुगर है। और अगर आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपको प्रोटीन की जरूरत पड़ती ही है। आपके बोन्स को मजबूत बनाने के लिए, आपके हार्ट को मजबूत बनाने के लिए आपको प्रोटीन लेना जरूरी है गाइज। तो डेफिनेटली आप ये प्रोटीन ट्राई कर सकते हो। और गाइज आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हो, आपको अनफ्लेवर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप मतलब प्रोटीन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हो, पानी के साथ भी ले सकते हो। और आपको अगर लगता है कि आप इसे वैसे नहीं ले सकते हो, तो आप अपनी सब्जी में डाल के खाइए इसे, आप अपनी रोटी में डाल के खाइए, या आप अपने ब्रेकफास्ट में डाल के खाइए इसे। आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ये पूरा करेगा गाइस। बहुत से लोगों को लगता है प्रोटीन अगर है तो उसमें नॉन वेज के टुकड़े होते हैं या ऐसा कुछ होता है, बट नहीं गाइस, इसमें नहीं है ये सारी चीजें। ये प्योर 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इसमें नो ग्लूटेन, नो एग, नो फिश, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज एडेड नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगी। वेजिटेरियन अगर आप हो तो आपको ऐसी चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज ये 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। और मेरी तरफ से तो इसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। इसे लेके आप अपने डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। अब प्रोटीन लेने की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और आपका डाइजेशन भी सही रहेगा। और जो वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो उन्हें तो प्रोटीन बिल्कुल लेना ही चाहिए, क्योंकि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है जो खाते हैं वो, उसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी डाइट करते होते हैं और उसके बाद जो प्रोटीन है वो सही से उनको नहीं मिलता है। तो उन्हें तो बिल्कुल ही ये प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा करेगा, और उसके बाद वेट लॉस में भी ये हेल्प करेगा। क्योंकि जितना आप प्रोटीन इंटेक करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका फास्ट वेट लॉस होगा। अगर आप लेडीज हो और इसे लेना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। आपकी प्रेगनेंसी में आपका जो प्रोटीन है वो बहुत ही कम हो जाता है, और उसके बाद आपको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपके जो बोन्स है वो पेन करने लगती है, आपके बॉडी आपकी साथ नहीं देती है। आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रेगनेंसी के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें हमारा प्रोटीन और कैल्शियम पूरा निकल जाता है, फिर हमारे जो बॉडी में प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट होने लगते हैं। तो इसी वजह से आपको प्रोटीन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। अगर आपका बजट कम है तो आप डेफिनेटली इस प्रोटीन को ट्राई कर सकते हो, और अगर आपका बजट भी ज्यादा है तो इतने कम में ये प्रोटीन मिल रहा है तो क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना है?
तो गाइज डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। तो गाइज अगर आपको इसे लेना है ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है आपके लिए, लिंक पे क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हो। आई होप गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय गाइज, ध्यान रखना अपना।